नेक्स्ट वन डेटा टाइप वर्सेस एक्सप्रेशन। सभी जस्ट मैं आपको स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करा रहा हूँ, लाइक अ डेटा टाइप्स मीन्स डिफॉल्ट कन्वर्जन और इम्प्लिसिट कन्वर्जन और सम एक्सप्रेशंस। इन सभी स्मॉल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करने का मेरा मेन पर्पस क्या है, नेक्स्ट लेवल पर मैं कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम डिस्कस करूंगा। अगर मैं ये प्रॉपर्टी करंटली आपके साथ डिस्कस नहीं करता ना, उन पर्टिकुलर एग्जांपल्स में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए अगर आप चाहते हो सारे के सारे ट्रिकी एग्जाम्पल्स आपके लिए अच्छे मैनर्स में सॉल्व करना पॉसिबल हो, इसलिए आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए। मीन्स सिंपल केसेस हैं, व्हाट यू मीन बाई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सपोज दैट फर्स्ट वन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, सॉरी कलेक्शन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स। इस किसी भी एक्सप्रेशन की केस में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यूज किया ए प्लस बी, सिंपल केस, ए प्लस बी को नेम क्या तो कहते हैं एक्सप्रेशन। प्लस इस केस में प्लस किस टाइप का ऑपरेटर, अर्थमेटिक। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर इन्वॉल्व हुआ है, देन उसे एक्सप्रेशन को टाइप, इसका टाइप कंसीडर करेंगे क्या, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में ऑपरेटर प्लस के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, मे बी माइनस, मे बी मल्टीप्लिकेशन, मे बी डिवीजन और मे बी मॉड्यूलो। सभी केस कैसे हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेमी से इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर थिंग का टाइप क्या है, दीज आर ऑपरेटर्स। लेकिन ए और बी के रिस्पेक्ट मत करना, ए और बी क्या है इस केस में, एज अ ऑपरेंड। इसलिए एक्सप्रेशन का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। क्लियर। क्वेश्चन है कि जब भी जावा के केस में आप कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर दिया बाय अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो इस सभी एक्सप्रेशंस के रिस्पेक्ट में ऑलवेज जनरेट क्या हुआ, रिजल्ट, ऑलवेज सिंगल रिजल्ट। एवरी एक्सप्रेशन विल प्रोड्यूस सिंगल रिजल्ट। जब इस केस में रिजल्ट जनरेट होगा तो रिजल्ट को भी असाइन कराने के लिए, स्टोर करने के लिए नीड किसकी होगी, अगेन वेरिएबल्स की। अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किस टाइप के वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, डिपेंड करेगा इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट किस फॉर्म में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर इसका रिजल्ट बाइट्स के फॉर्म में है, देन आप वेरिएबल भी किस टाइप का यूज करोगे, बाइट। अगर इस वेरिएबल, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इंटीजर्स के फॉर्म में, देन सूटेबल डेटा टाइप का यूज करोगे इसके वेरिएबल्स के लिए, इंटीजर। सेम एज फॉर एग्जाम्पल्स सम रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इसके साथ ए प्लस बी का रिजल्ट आसान किस में हो रहा है, वेरिएबल रिजल्ट में। तो वेरिएबल रिजल्ट के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ, डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग सम डेटा टाइप। आई यूज पर्टिकुलर वेरिएबल रिजल्ट का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इस रिजल्ट का डेटा टाइप डिपेंड करेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। जब तक आपको इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट के बारे में नहीं पता हुआ, देन आपके लिए प्रॉपरली डेटा टाइप प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट किस फॉर्मेट में जनरेट हुआ। अगर आपको इसका फॉर्मेट पता या टाइप पता है, देन आपके लिए ईजी वे में कोई भी इस रिजल्ट का टाइप डिसाइड करना पॉसिबल हुआ। इसके लिए सिंपल रूल है, जावा के केस में जस्ट एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं टू केस एनालाइज कर रहा हूँ। मीन्स हियर ए एंड बी इज अ ऑपरेंड, प्लस इज अ ऑपरेटर। प्लस के प्लेस पर जस्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ एट द रेट सिंबल। रियल में एट द रेट अपने आप में कोई ऑपरेटर नहीं है, इसका एट द रेट का मीनिंग क्या है, हियर एट द रेट बिलोंग्स टू अर्थमेटिक ऑपरेटर आइदर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलो एनी थिंग्स। क्लियर। ए और बी क्या है, ऑपरेंड। तो उसका रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, डिपेंड करेगा मैक्स रेंज ऑफ आइदर फर्स्ट ऑपरेंड ए और मैक्स रेंज ऑफ सेकेंड ऑपरेंड बी और मैक्स रेंज ऑफ इंटीजर लेवल। इसको मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। मीन्स इसके से मीनिंग क्या है, इसमें से तीनों के, मीन्स यहाँ इंटीजर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर मैंने थर्ड केस में इन्वॉल्व क्या किया, मैक्स रेंज ऑफ इंटीजर। बिकॉज जावा के अंदर कोई भी रिजल्ट
कभी भी इंटीरियर से स्मॉल रेंज में जनरेट नहीं होता है, मीन्स कभी भी किसी भी एक्सप्रेस में जनरेट ना ही आपको कैरेक्टर्स के फॉर्म में मिल सकता है, ना ही बाइट्स के फॉर्म में, ना ही शॉर्ट के फॉर्म में, मीन्स या तो इंटीरियर्स के फॉर्म में होगा या लॉन्ग के फॉर्मेट या फिर बुलियन, सॉरी नॉट बुलियन, या फिर फ्लोट और डबल। इस पॉसिबल रिजल्ट्स, रिजल्ट्स किस फॉर्म में पॉसिबल है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर और लॉन्ग और फ्लोट और डबल। क्लियर? इस रिजल्ट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ बाइट और शॉर्ट और कैरेक्टर्स, इन फोर में से कोई भी एक पॉसिबल हुआ, इसलिए मैंने मैक्सिमम केस क्या लिया, आइदर टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी और टाइप ऑफ इंट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑपरेंड, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कंसीडर कर रहा हूँ फर्स्ट ऑपरेंड का टाइप क्या, बाइट प्लस सम प्लस और सम एट द रेट। सेकेंड ऑपरेंड का भी टाइप क्या है, ऑल्सो बाइट। इस केस में आपके माइंड में क्या चल रहा होगा मिस, इसका जब रिजल्ट मिस टू बाइट्स को जब ऐड कराओ तो रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स नॉट ट्रू। इसे आपको चेक करना है मैक्स ऑफ और मैक्स रेंज ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड बाइट, मैक्स रेंज ऑफ सेकेंड ऑपरेंड बाइट प्लस और नॉट अ प्लस और मैक्स रेंज ऑफ इंटीजर, इन तीनों के केस में कंपेयर करना है। तीनों में से जिसका भी मैक्स रेंज फाउंड होगा उस पर्टिकुलर टाइम में रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो बाइट्स में दोनों केस में क्या, बाइट और इंटीजर, तो बाइट और इंटीजर के केस में रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर। क्लियर? तो जब भी आप बाइट प्लस बाइट को ऐड कराओगे या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करो उसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर में फॉर्म होगा, न कि बाइट में। वन मोर केस, बाइट एंड शॉर्ट, बाइट और शॉर्ट के केस में भी रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, तीनों को कंपेयर करना है। मीन्स थ्री केस हैं, बाइट शॉर्ट और इंट, इन तीनों में से मैक्सिमम रेंज किसका होता है, इंटीजर का। तो अगेन इसका रिजल्ट किस फॉर्मेट में प्रोड्यूस होगा, इंटीजर्स के फॉर्म में। कैरेक्टर प्लस बाइट, कैरेक्टर बाइट को ऐड कराना पॉसिबल है और मे बी वन मोर केस शॉर्ट। अगर इसे एक्सप्रेशन बात करें तो अगेन इसे इंटीजर आपको विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन इंटीजर आपको खुद से ऐड कराना है, मीन्स इंटीजर के साथ भी कंपेयर करना होगा। अगर इसमें से कैरेक्टर बाइट शॉर्ट और इंटीजर को कंपेयर करें तो अगेन मैक्स रेंज किसका है, इंटीजर। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगर आपके पास कोई फॉर्मेट अवेलेबल है फर्स्ट ऑपरेंड इंटीजर में और सेकेंड ऑपरेंड लॉन्ग में, अब इस केस में चेक करेंगे मैक्स ऑफ इंट और मैक्स ऑफ लॉन्ग, इन दोनों में से मैक्सिमम रेंज किसका है, लॉन्ग का, इसलिए रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, लॉन्ग फॉर्मेट। सेम एज लॉन्ग एंड फ्लोट के केस में बात कर रहे हैं, लॉन्ग फ्लोट, देन इस केस में रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, मैक्सिमम रेंज किसका था, फ्लोट का, मीन्स फ्लोट। सेम एज अगर किसी भी एक्सप्रेस में डबल इन्वॉल्व है तो डबल को किसी अदर के साथ आपको कंपेयर करने नीड ही नहीं, रिमेनिंग केस क्या है, डजंट मैटर, रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डबल। क्लियर? रूल आपको सेटिस्फाई करना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है।